कानपुर में नरेंद्र मोदी की रैली थी और नोटबंदी के बाद मोदी की ये रैली कई मायनों में खास थी। एक तो विपक्ष के द्वारा बार बार नोटबंदी पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को जवाब देना था, तो वही संसद को न चलने देने के लिए भी दुत्कारना था। मोदी ने कांग्रेस को जमकर सुनाया। एक तरफ हम देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, काले धन से देश को मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा एजेंडा है भ्रष्टाचार बंद हो, हमारा एजेंडा है काला धन बंद हो, लेकिन उनका एजेंडा है संसद बंद हो, संसद बंद हो, संसद बंद हो। पूरा महीना संसद चलने नहीं दी। ये संसद क्यों चलने नहीं दी भाई? पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं की? राष्ट्रपति के कहने के बाद भी हो हल्ला करते रहे, नारे बुलाते रहे। ये इसलिए करते थे कि जिन मुद्दों पर सरकार चर्चा चाहती थी इससे वो भाग रहे थे, डर रहे थे। अब तक जिन्होंने सरकारें चलाई हैं उनके लिए हिसाब देना जरा महंगा पड़ रहा था, और इसलिए संसद में हो हल्ला करो, नारेबाजी करो, स्पीकर महोदय पर कागज के टुकड़े फेंको, यही काम करते रहे। अरे म्युनिसिपैलिटी में चुने हुए लोग भी ऐसा व्यवहार करने से पहले 50 बार सोचते हैं। देश की संसद को, उसकी गरिमा को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए चोट पहुंचाने का प्रयास मेरे देशवासियों, ये बातें सामान्य नहीं है, गंभीर है। देशवासियों को समझना होगा, संसद पहले भी रुकती थी, संसद में पहले भी रुकावटें आती थी, लेकिन तब रुकावटें आती थी क्योंकि विरोधी दल मिलकर के बेईमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते थे, घोटालों को उजागर करना चाहते थे, घोटाले बाजों को सजा मिले इसकी मांग कर रहे थे, और इसलिए कभी कभी संसद में व्यवधान आते थे। पहली बार देश में ऐसा हुआ कि बेईमानों की मदद करने के लिए कुछ लोग संसद में नारे बोल रहे थे। सरकार सरकार बेईमानों को ठिकाने लगाने में लगी थी, विरोधी दल बेईमानों को बचाने के लिए एकजुट हो रहे थे। देश आज दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ मुट्ठी भर वो नेता है जो काले धन को, भ्रष्टाचार को, बेईमानी को बचाने में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ पूरा हिंदुस्तान है जो ईमानदारी के रास्ते पर चलने के लिए कुछ भी सहने को तैयार है। भाइयों बहनों, ये भ्रष्टाचार, ये काला धन, काला मन, काला कारोबार, यही है जिसने मध्यम वर्ग का शोषण किया है और गरीबों के हक को छीना है। भाइयों बहनों, आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जो गरीबों को हक दिलाना चाहती है, जो मध्यम वर्ग को शोषण से मुक्त कराना चाहती है, जो देश में ईमानदारी के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है, और देशवासी जिस ईमानदारी के लिए पहचाने जाते हैं
उसको लेकर के एक नई ताकत खड़ी करना चाहती है। कांग्रेस और विरोधियों द्वारा बार बार उठाए जा रहे झूठ पर भी मोदी ने जमकर निशाना साधा और जनता का सच से सामना करवाया। लोग बैंक में पैसे लेने जाते हैं, मैं जरा हमारे विरोधियों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। एक तरफ वो कहते हैं कि लोगों का बैंक में खाता ही नहीं है, खाता ही नहीं है। दूसरी तरफ कहते हैं कि लोग बैंक में पैसे लेने, गरीब आदमी जाता है उसको पैसा नहीं मिलता है। भाई एक चीज तो सच बताओ, एक तरफ कहते हो गरीब का खाता नहीं, दूसरी तरफ कहते हो गरीब पैसे लेने जाता है मिलता नहीं। जनता को गुमराह करने के लिए झूठ क्यों बोलते हो? ये लोग, जब मैं कहता हूं डिजिटल ऑनलाइन लेस कैश नीड बेस्ड कैश, भाइयों बहनों एक जमाना था बड़ा चांदी का रुपया होता था तभी बाजार में चलता था, बदलते 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 कागज की नोट तक रुपया आ गया। भाइयों बहनों अब तो वक्त वो आया है कि हाथ लगाए बिना भी मोबाइल फोन से रुपयों का कारोबार किया जा सकता है। आपकी आपकी मोबाइल फोन ही आपकी बैंक बन जाती है। चाय पी करके मोबाइल फोन से पैसे दिए जा सकते हैं, चाय पीने वाले से मोबाइल से पैसा लिया जा सकता है, नोटों के बिना किया जा सकता है। जब मैं ये बताता हूं तो ये लोग क्या कहते हैं, अरे इस देश में कहां लोगों के पास मोबाइल फोन है, इस देश में कहां ये है। यही लोग हर चुनाव में ये भाषण देते थे कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे वो हिंदुस्तान में कंप्यूटर युग लाए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे इस देश में मोबाइल फोन लाए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे इस देश के गरीबों के हाथ में उन्होंने मोबाइल फोन दे करके एम्पावरमेंट किया, यही भाषण ये लोग करते थे। लेकिन अब जब मैं कह रहा हूं कि मोबाइल फोन को बैंक बना दो तो कहते हैं मोबाइल फोन है ही कहां, गरीब के पास मोबाइल है कहां। इतना झूठ बोलते हो आप लोग। यही लोग ढोल पीटते थे कि राजीव गांधी ने मोबाइल फोन दिया, अब मैं कहता हूं मोबाइल फोन का बैंक मिलेगा तो कहते मोबाइल फोन है ही नहीं। आप इनको पहचानो एक कितना झूठ बोलते हैं। ये लोग गुमराह कैसे करते हैं, लोगों को भड़काने का काम कैसे करते हैं। मोदी ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस के काले व्यवहार पर भी जमकर तमाचा मारा, जिसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले के साथ है कांग्रेस और विरोधी। भाइयों बहनों कांग्रेस पार्टी 35 साल पहले जो कानून बनाया था पॉलिटिकल पार्टियों के हिसाब किताब के संबंध में, हमारी सरकार ने उसमें फुल स्टॉप कॉमा को भी हाथ नहीं लगाया है। और कल मैंने देखा कांग्रेस के नेता हमें बदनाम करने के लिए उछल पड़े थे, मैं जरा कांग्रेस वालों को याद कराना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के लोग सीना तान करके मीडिया के सामने बोलते थे, बेशर्मी के साथ बोलते थे। जब सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, परमानेंट कोषाध्यक्ष थे, और सीताराम केसरी कैसे कोषाध्यक्ष थे तो खुद कांग्रेस के लोग बोलते थे, न खाता न वही, जो केसरी कहे वो ही सही, न खाता न वही, केसरी कहे वो ही सही, ये तो उनके हिसाब किताब के तरीके थे। देश की जनता को कभी हिसाब न देना, भ्रष्टाचार पनपे तो पनप देना, खुद के फायदे में जो हो वो करते रहना, इसी का परिणाम है कि देश तबाह हो गया है। भाई भाइयों बहनों
हम विकास की नई ऊंचाइयों पर देश को ले जाना चाहते हैं।